मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई स्मृति सिंह। यस्टरडे टॉट यू द पोयम द स्कॉलर, टुडे आई विल टीच यू द एक्सप्लेनेशन एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम द स्कॉलर। लेट्स सी दिस लाइन्स। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं मरे हुए लेखकों के साथ हैं। एनॉन माई प्लेस विद देम विल बी, बहुत जल्दी ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, मैं उनके साथ पूरे भविष्य में यात्रा करूँगा। येट लिविंग हेयर अ नेम, मैं यहाँ अपना एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। That will not perish in the dust, कि मेरा नाम मिट्टी में धूल में नहीं मिटेगा और याद किया जाता रहेगा। बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि इस पोयम में पोएट अपने आप को स्कॉलर मानते हैं और उनका ये ड्रीम है कि उनके नाम को उनके मरने के बाद भी याद किया जाता रहे और भूले ना। लोग जैसे महान लेखकों को याद करते हैं, वैसे ही उनका भी नाम याद किया जाता रहे। अब इसका एक्सप्लेनेशन के लिए पहले रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में मैंने बच्चों बताया था कि पोयम का नाम, किस पोयम से ये लाइंस ली गई है, उस पोयम का नाम और उसके पोएट का नाम लिखना होगा। This stanza has been taken from the poem The Scholar composed by Robert Southey. Context, context में बच्चों मैंने बताया था कि जो lines आपके सामने हैं, दी गई हैं, उन lines में poet कहना क्या चाहता है उसे दो lines में लिखना ही context है। The poet hopes that he too will be remembered. Poet आशा करता है कि वह याद किया जाता रहेगा। लाइक द ग्रेट ऑथर्स ऑफ द पास्ट, पास्ट के महान लेखकों की तरह। ही विल सून बी विद देम आफ्टर हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु के बाद बहुत जल्द ही उनके साथ हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। द पोएट हैज़ द सेम होप्स एज द ग्रेट ऑथर्स ऑफ द पास्ट, पोएट के पास भी वही आशाएं हैं, वही होप्स हैं जो कि महान लेखक, जो पास्ट है, पहले के महान लेखक के पास जो होप्स थे, वही होप्स स्कॉलर पोएट के पास भी है। ही विल डाई सून, वह जल्द ही मर जाएगा। एंड विल बी विद देम, कवि कह रहे थे, इसमें क्या कह रहे हैं कि वह जल्द ही मर जाएंगे और इन महान लेखकों के साथ होंगे। They will be remembered in the future. ये जो writers और poets हैं, great writers और great poets जो हैं, वो future में भी याद किए जाते रहेंगे। He too will be remembered with them. तो इसी तरह से वह भी याद किया जाता रहेगा। And in this world too, इस संसार में people will remember him, लोग उसे याद रखेंगे। He honestly hopes, वह आशा करते हैं that he will not be entirely forgotten, कि वह भूले नहीं जाएंगे। his scholar like studies, उनके scholar की तरह जो studies है, will earn a permanent name for him, यह उनके लिए एक permanent name कमाएगी। ठीक है, ये आपका explanation हो गया है। अब इसका central idea देखते हैं। central idea बच्चों देखिए, In the poem The Scholar, the poet assumes the personality of scholar. इस poem में poet scholar अपने आप को मानते हैं। He then describes a scholar's feeling. वह तब क्या describe करते हैं, scholar की अपनी, एक scholar की क्या feeling होती है, towards the great writers of the past. past के महान लेखकों की ओर स्कॉलर की क्या फीलिंग होती है,
वो इसका इसमें वर्णन करते हैं। द स्कॉलर पासिस हिज टाइम अमंग द बुक्स रिटन बाय फेमस राइटर ऑफ द ओल्डन टाइम्स। स्कॉलर अपने समय को किसके बीच में बिताता है, जो पुराने समय के जो महान लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बीच में अपने समय को व्यतीत करता है। ही गेट्स जॉय इन हैप्पीनेस, वह हैप्पीनेस में जॉय पाता है, एंड रिलीफ इन सोरो, और दुख में क्या कर पाता है, रिलीफ पाता है फ्रॉम देम, किससे, इन बुक्स से। ही इज़ थैंकफुल टू देम फॉर नॉबल आइडियाज, वह इनके अच्छे विचारों के प्रति थैंकफुल है। ही लव्स देयर वर्च्यूज एंड हेट्स देयर इविल्स, वह उनके गुणों को प्यार करता है और उनके जो है जो बुराइयां हैं उनसे वो नफरत करता है, यानी आलोचना करता है उनकी। आफ्टर हिज डेथ ही विल ज्वाइन देयर कंपनी, उनकी अपनी मृत्यु के बाद वह भी उनकी कंपनी को ज्वाइन करेगा। ही होप्स, वह आशा करता है, पोएट्स में आशा करता है, दैट हिज नेम विल नॉट बी फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि उसका नाम समय के बीतने के साथ भूला नहीं जाएगा। बच्चों ये सेंट्रल आइडिया है, अब आपको ये सेंट्रल आइडिया लर्न करना है और एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये दोनों आप लोग फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।